अस्सलामुअलैकुम बन जाएगा बुलेटिन के साथ मैं हूँ बिस्मार और मैं हूँ अबू बकर जुबैर और हम आपको वेलकम करते हैं बन जाएगा की एक ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसमें हम आपको देते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अबू बकर जुबैर से। अबू बकर सुनाइए की क्या अपडेट्स हैं। बिस्मा अपडेट्स ये है कि बन जाएगा की व्यूअर्स के लिए बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि बन जाएगा ओपन हाउस 21 डिले हो गया है। और डिले होने की वजह तो है, वैसे भी सबको पता होगी कोरोना, जैसा कि सबको पता है गवर्नमेंट ने इंडोर और आउटडोर इवेंट्स पे पाबंदी लगा दी। तो बन जाएगा ने ये फैसला किया कि कुछ अर्से के लिए ये जो सीरीज हमारे ओपन हाउस सीरीज चलती है इसको हम डिले कर दें। अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप कि ये डिले कितने अर्से के लिए एक्सपेक्टेड है? वैसे तो अभी तक जो लॉकडाउन चल रहा है तब तक है, बाकी उससे बेहतर अगर पता करना तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, हम तो नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर आप अपडेट्स देना चाहते हैं ओपन हाउस की तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए हमारे सोशल पेजेस पर, क्योंकि बन जाएगा कि तमाम अपडेट्स आपको वहीं पर मिल सकती हैं। तो चलिए बात होगी हमारे ओपन हाउस की अबू बकर, अब हम अपनी जरा बाकायदा आगाज करते हैं अपने इस बुलेटिन का। और मैं आज आपके लिए गेम लेके आई हूँ, हम गेम से स्टार्ट करेंगे। आई हैव अ वर्ड फॉर यू और वो लफ्ज सुन के आपके जहन में जो फौरन से फर्स्ट थॉट आते हैं आपने फौरन से वो बोल देना है, और वो लफ्ज है कंटेनर। वेल एग्जैक्टली मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ना सिर्फ आप बल्कि 99% पाकिस्तानी आवाम जो है वो धरने के बारे में ही सोचती है, लेकिन अब हम थोड़ा सा धरनों से निकल के आगे बढ़े हैं, वो इस तरह से कि हम सिर्फ धरनों के लिए कंटेनर्स को इस्तेमाल नहीं करें बल्कि हम उसमें अपने खूबसूरत घर भी बना रहे हैं और अपने ऑफिस भी बना रहे हैं। तो आपने शायद पहली बार? नहीं, ये मैं काफी अर्से से ये चीजें देख रहा हूँ। वैसे तो पहले तो इंटरनेशनली देख रहा था, वो पिंटरेस्ट वगैरह पे आपको ये चीजें मिल जाती हैं, लेकिन पिछले रिसेंटली अभी कोई 1.5-2 साल से ये पाकिस्तान में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या अभी कुछ ऐसे कोई प्रॉपर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है या कोई चीज हुई है ऐसी? क्या चले, मैं आपको बल्कि ऐसा कहती हूँ कि मैं आपको उस कंटेनर हाउस में लेके चलती हूँ, और आई हैव अ वीडियो फॉर यू एंड अवर व्यूवर्स। हम आपको वो कंटेनर हाउस सिखाते हैं और आप उसको बताते हैं कि पाकिस्तान में वाकई में एक तरक्की हो रही है और कंटेनर का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अबू बकर, ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये 40 फीट का जो है एक शिपिंग कंटेनर होता है, जो शिपिंग के जरिए जिसे आप चीजें मंगवाते हैं वो कंटेनर है, और आप देखें इसको पूरे घर में ट्रांसफॉर्म किया गया है। अच्छा आप देखें कि ना कैसे स्पेसिस को कॉम्पैक्टली यूज किया गया है, हर चीज एक दूसरे को ना कितनी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रही है। Exactly. और मुझे सब पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है वो ये है कि किस तरह कॉम्पैक्ट यूसेज है आपका। वो देखें जो बेड है वो ही आपका, वो डाइनिंग टेबल भी है, ठीक है, वो आपका जो चेयर्स हैं वो आपका स्टोरेज भी है, तो बड़ी अच्छी चीज है ये। और अच्छा ये वैसे मुझे और चीज बताए, ये मूवेबल है? एग्जैक्टली, ये कंटेनर तो होते ही मूवेबल है सबसे पहली बात। तो ये आप आज इस्लामाबाद में हैं और चाह रहे हैं कि बस मैं बोर हो गया यहाँ पे रहकर, मैं मूव करना चाह रहा हूँ भाई लाहौर में, ठीक है, आप इसको उठाएंगे अपने कंटेनर की जो मूव करने के लिए गाड़ियां होती हैं उस पर रखेंगे, और आप अपने साथ अपने जैसा हम अपने बैग में चीजें कैरी करते हैं आप अपने साथ इसको कैरी करके लाहौर ले जा सकते हैं। और इसकी खसूसियात यहाँ पर तक महदूद नहीं कि ये सिर्फ पोर्टेबल है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा यूजेज है इसका, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, आपको इसमें वो मिस्त्री मजदूर और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। तो बहुत जल्दी वैसे क्या तैयार, आप एक पोर्ट से आपने कंटेनर ही लेना है, तो मतलब ये इट्स जस्ट लाइक आपने बना बनाया घर उठा के ले आया। एग्जैक्टली। अच्छा वैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली मुझे इस चीज से मूवेबल घरों से और जो आप बता रहे थी इससे मुझे एक और चीज याद आई है कि अभी रिसेंटली एक कोरियन कंपनी है जिसने ये नया पाकिस्तान के फ्लैगशिप के अंदर एक मॉडल होम बनाया। अच्छा वो जो है उसके भी फीचर्स कुछ इसी तरह मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं। पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा उनका फीचर लगा वो है कि वो घर 7 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा वो कंटेनर भी नहीं है, प्री फैब्रिकेटेड हाउस है, लेकिन वो 7 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं, आपने जैसा बनवाना है। अब जस्ट इमेजिन आप एक संडे को अपने घर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आप सोचते हैं जी मैंने घर बनाना है, 7 दिन में ना आप कॉन्ट्रेक्टर ढूंढ सकते हैं, ना आप आर्किटेक्ट ढूंढ सकते हैं, ना आप लैंड सर्वेयर ढूंढ सकते हैं, आपको 7 दिन अगले संडे आप अपने घर बैठे होंगे, ठीक है। और अच्छा फिर इसके बाद ये भी है कि ये कन्वेंशनल मेथड से हर तरह से बेहतर है, आप अगर इसको देखें कंस्ट्रक्शन वाइज बेहतर है, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज्यादा है, 50 ईयर्स की इसकी गारंटी देते हैं ये लोग, ठीक है, तो ये काफी
बिल्कुल, आप जिस तरह से बता रहे हैं ना, जिस जो फीचर जिस घर के बता रहे हैं, इतना सस्ता है, इतनी जल्दी बन जाता है, और मतलब कितना हमारे यूजर्स के लिए कितना अच्छा है, तो ये पाकिस्तान के मुझे तो लग रहा है एक आइडियल घर है, मुझे लग रहा है फ्यूचर में हमारे पास। मजे की बात है, ये भी मूवेबल है। ओह वाओ, इसके अंदर, इसकी बेसिस के अंदर ना नट बोल्ट होते हैं। अब वो 9 तकरीबन 9 से 10 होते हैं, अभी ये जो मॉडल होम बना है इसके अंदर। अब वो नट बोल्ट खोलें, वो खोल के ले लिए, जहां भी लेके जाना लेके चले जाए, और ये कंटेनर हाउस भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि वाकई में आप 7 दिन में घर बन रहे हैं और 3 दिन में खोल के आप साथ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे बताइए कि क्या ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है और कितना ये एफिशिएंट है? जी बिल्कुल, असल में ये प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से बना होता है, इंसुलेटेड होते हैं ये वैसे भी मटीरियल, तो गर्मी में ये ठंडे रहते हैं। वैसे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये वजह होती है, गर्मी में ये ठंडे रहते हैं, सर्दी में ये गर्म रहते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये कि ये अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, जिसका आज से 15-20 साल पहले से पाकिस्तान की जरूरत है, वो अब आके पूरी हो रही है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ ऐसी चीज तो हमारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, और मतलब बहुत मैं इंस्पायर होती हूँ कि नई नई चीजें देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया इन चीजों ने। बल्कि रिसेंटली अगर आपने हमारा ओपन हाउस, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा हो, हमारा राशिद रशीद साहब का हमने ओपन हाउस किया था, जिसमें हमने एक बहुत खूबसूरत, एक्सपेंसिव तो था लेकिन उसके अलावा बहुत खूबसूरत और बहुत ही एनवायरमेंटली सस्टेनेबल था घर, जिसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई, अगर आपने नहीं देखी तो अभी लिंक हमारे शो हो रहा होगा, आप उसे क्लिक करके जा सकते हैं। तो अबू बकर, वो भी घर ऐसा था कि उसमें एनर्जी यूजेज बहुत कम जी, था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो देखे घर, बल्कि मैंने पर्सनली भी जाके देखे। ओके, वो जो घर है वो PGBC से प्लैटिनम सर्टिफाइड है। वाओ, ठीक है, ये चीज मैंने भी बल्कि उनके चेक की थी कि सर्टिफाइड है, प्लैटिनम सर्टिफाइड है, ये सर्टिफिकेशन है क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान में ना आर्किटेक्ट्स ने मिलकर एक पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के नाम से एक डिपार्टमेंट है या काउंसिल है, एक वो बनाया है जो कि इस चीज पे काम कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होम्स, सेल्फ सस्टेनेबल होम्स पे काम कर रहे हैं। अब वही चीज इस घर में यूज की गई है, ठीक है, मतलब ये घर अपनी सब्जी खुद उगाता है, ये घर अपनी बिजली खुद बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान में 4 मौसम है, चारों मौसमों के लिहाज से ये जो घर है वो फ्रेंडली है, उसी तरह मतलब चारों मौसमों को देख के इसकी वेंटिलेशन सेट की गई है, उस रूफ गार्डन इसमें बनाया गया है, इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो मतलब ये जो ग्रीन बिल्डिंग है, वैसे मैंने पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का तो सुना है, लेकिन मैं एक दिन ऐसी कुछ आर्टिकल पढ़ी थी और उसमें भी था कि लाइक इंटरनेशनली भी एक ऐसी काउंसिल है, क्या ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है पाकिस्तान की, वो उन्हीं के साथ कनेक्टेड है, उनकी सब ब्रांच है, क्या है? मुझे वैसे फ्रेंकली मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि उनके साथ ये कनेक्टेड है कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली प्रिंसिपल दोनों के सेम ही है। प्रिंसिपल दोनों के सेम, कनेक्शन बीच में है या नहीं वो मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे फिर ये बताइए कि जो सर्टिफिकेट है ये किस बुनियाद पे दिया जाता है? जाहिर बात है कुछ परफॉर्मेंस होती है, तो ये अगर मैं अपने घर पे लेना चाह रही हूँ सर्टिफिकेट, तो क्या चीजें होना जरूरी? अच्छा, इसमें ये होता है कि आप जब घर बना रहे होते हैं, एक घर बना रहे होते हैं, इसके क्राइटेरियाज है, ठीक है, जैसे प्लैटिनम सर्टिफिकेट इस घर को मिला हुआ है, इसका क्राइटेरिया हो रहा है, जो गोल्ड सर्टिफाइड है उसका क्राइटेरिया हो रहा है, और हर चीज में इसका क्राइटेरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं कि पेंट, अब पेंट में 2 कैटेगरीज है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल इसमें यूज होते हैं। अब नॉन वॉलेटाइल करेंगे आपको पॉइंट्स पड़ जाएंगे, आप रूफ गार्डन यूज कर रहे हैं आपको पॉइंट्स पड़ जाएंगे, आप क्रॉस वेंटिलेशन दे रहे हैं आपको पॉइंट्स पड़ जाएंगे, आप उसके बाद क्या नाम है सोलर पैनल आप दे रहे हैं आपके और पॉइंट्स पड़ जाएंगे, आप पोर्च के साथ ग्रीन कोई पेशो वगैरह दे रहे हैं तो आपको वो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो है ये सारा पॉइंट्स की गेम, जितने आपको पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे वो पॉइंट्स सर्टेन लिमिट जब रीच करेंगे तो आपको जो आपको वो सर्टिफिकेशन उस टाइप उस पॉइंट तक होती है वो आपको मिल जाती है। तो वैसे ये घर ना इस तरह के हमारे लिए बहुत अहम, बहुत जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ा है, यानी कि हमारे एक हम जरी मुल्क होने के बावजूद हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत कम होता जा रहा है, इसके लिए हमारी एनर्जी जो है बहुत हमारे, हम एक लंबा अरसा हम लोड शेडिंग के वो चक्कर में पिसते रहे,
तो खैर ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो करनी चाहिए, महंगी है, ऑब्वियसली महंगी है, लेकिन वो कहते हैं लाइफ टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। आपने एक दफा ये घर बना लिया, आपने मतलब सोलर पैनल्स लगा लिए, आपने लाइक रूफ गार्डन बना लिए, तो उससे आपको रिटर्न में उसके बाद बैठे खाए ना, आपको वाडा का बिल आना, ना आपको वो सब्जी। तो खैर ये तो बात होगी आज की हमारी अपडेट थी, और अब मजीद अपडेट्स के साथ हम अगेन आपकी खिदमत में पेश होंगे, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह सबको मनाना है, डिजाइन भी कराना है, कैसे